लोग इस तरह की विचारधारा को मानते हैं, फॉलो करते हैं या उसके ऊपर चलते हैं या सोच रखते हैं, ऐसे लोगों को आपराधिक दंड के तहत तरीके से जितनी भी किताबें आज तक देश के अंदर ये छपी हैं वो सबको ढूंढ ढूंढ कर जलाते हैं। बस ये है कि पंडित जी आया है और मंत्र बोलकर गया, लेकिन किसी को ये नहीं पता होगा शादी में कौन से मंत्र बोले जाते हैं, कथा में कौन से मंत्र बोले जाते हैं, जन्मदिन में कौन से मंत्र बोले जाते हैं, अगर कोई मर गया तो मरने में कौन से मंत्र बोले। रामचरितमानस या मनुस्मृति जैसे जो ग्रंथ हैं इनको बैन कर देना चाहिए। बैन नहीं, इनको इस देश की जनता को नहीं पता होगा एक भी ऐसा कोई मंत्र हो जिसका मतलब सारी जनता जानती हो, जिसका अर्थ सारी जनता जानती हो और उसकी अर्थ पर जनता काम करती हो। जितने शादियों में मंत्र बोले जाते हैं, शादी करवाने वालों को ना लड़के को पता होगा कितने मंत्र ये किस बात के बोले जा रहे हैं, ना लड़कियों को पता होगा, लेकिन बस वो चार मंत्र बोलने के वहाँ से पैसे लेकर। रामचरित मानस का अपमान कोई तब कर सकता है जब उसका कभी सम्मान रहा हो। रामचरित मानस अपने आप में एक खुद अपमानित किताब है जो स्त्रियों को ताड़ने की बात करती है, जो पुरुषों को यानी कि शूद्रों को अछूतों को मुख्य धारा से हटा करके पीछे धकेलने की बात करती है, जो बस्तियों से रहने के लिए मजबूर करती है। तो रामचरित मानस अपने आप में एक बेहद घृणित और नफरत फैलाने वाला, आपस में लोगों को बांटने वाला और स्त्रियों के हकूक को खा जाने वाला एक ऐसा ग्रंथ है जो केवल 3% लोगों के लिए सुरक्षा करता है हर क्षेत्र में। लेकिन कहा जा रहा है आप लोग अर्थ गलत निकाल रहे हो ना, दो हो कैसे अर्थ गलत निकाल रहे हैं? क्या ताड़ने का अर्थ, आज तक तो यही पता था कि ताड़ने का अर्थ जो है पीटना होता है, चलाना होता है, दबाना होता है, मारना होता है, कसना होता है, तो कहाँ से निकाला अर्थ? अब आप बताइए इसमें क्या इनकी अर्थ है? वो लोग कह रहे हैं कि ताड़ना का मतलब देखना होता है। अगर ताड़ने का अर्थ उन्होंने देखना निकाला है तो आप ये बताइए फिर शूद्र का अर्थ क्या होगा, स्त्री का अर्थ क्या निकालेंगे? जो शीशा पिघला करके कान में डाल देते थे, अगर बच्चा भी मंत्र सुन लेता था तो इतना अपराध था मंत्र सुनना भी कि उसके कान में शीशा पिघला हुआ डाल देते थे, आप समझ सकते हैं कि कितनी पीड़ा रही होगी। तो आप उस शीशा पिघलाने की जो दर्द है उसका क्या नाम रखेंगे फिर? तो एक बच्चा जब ओम नमः शिवाय अगर आपके किसी इष्ट का भगवान का नाम भी अपनी जवान से अपनी जीवा से बोल देता था तो उसकी जीवा काट देते थे, भंग कर देते थे, तो आप इस दर्द, इस पीड़ा, इस जीवा काटने को आप क्या मतलब क्या संज्ञा देंगे? नहीं, एक तर्क और दिया जाता ना कि वो समय रहा था, उस टाइम कुछ और रहते था और कुछ चीजों को मानते थे, परिस्थितियां कुछ दूसरी थी, अब तो ऐसा नहीं है ना। तो परिस्थितियां अगर उस समय पर खराब थी, इसी परिस्थिति को तो आज लोगों ने विश्लेषण किया है, उसी परिस्थिति की तो संज्ञा निकालने का, परिभाषा निकालने का समाज के सामने रखी, दुनिया के सामने रखी है, क्योंकि इन्होंने संस्कृत में लिखा, परिस्थितियां अलग नहीं थी, भाषा अलग थी, संस्कृत में लिखा और लोगों को शिक्षा से वंचित रखा। जब लोग शिक्षा से वंचित रहे उन्हें पता नहीं कि संस्कृत में क्या बोल रहे हैं। आज भी मैं बताती हूँ 80% मंत्रों का मतलब इस देश की जनता को नहीं पता होगा, एक भी ऐसा कोई मंत्र हो जिसका मतलब सारी जनता जानती हो, जिसका अर्थ सारी जनता जानती हो और उसकी अर्थ पर जनता काम करती हो। जितने शादियों में मंत्र बोले जाते हैं, शादी करवाने वालों को ना लड़के को पता होगा कितने मंत्र ये किस बात के बोले जा रहे हैं, ना लड़कियों को पता होगा, लेकिन बस वो चार मंत्र बोलने के वहां से पैसे लेकर के निकल जाता है। बस ये है कि पंडित जी आया है और मंत्र बोलकर गया, लेकिन किसी को ये नहीं पता होगा शादी में कौन से मंत्र बोले जाते हैं, कथा में कौन से मंत्र बोले जाते हैं, जन्मदिन में कौन से मंत्र बोले जाते हैं, अगर कोई मर गया तो मरने में कौन से मंत्र बोले जाते हैं। चाहती हैं रामचरितमानस या मनुस्मृति जैसे जो ग्रंथ हैं इनको बैन कर देना चाहिए। बैन नहीं, इनको पूरी तरीके से जितनी भी किताबें आज तक देश के अंदर ये छपी हैं वो सबको ढूंढ ढूंढ कर जला फूंक देनी चाहिए, और जितने भी लोग इस तरह की विचारधारा को मानते हैं, फॉलो करते हैं या उसके ऊपर चलते हैं या सोच रखते हैं, ऐसे लोगों को आपराधिक दंड के तहत सजा देनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि आप अपमान कर रहे हैं धार्मिक ग्रंथों का हमारे। भाई तुमने धार्मिक ग्रंथ बोला ना, इनको हम तो नहीं मानते, नहीं धार्मिक ग्रंथ है, हमारा धर्म ग्रंथ तो संविधान है, हमारा धर्म ग्रंथ तो वो है जो हमें जीने की आजादी देता है, बोलने की आजादी देता है, तर्क करने की आजादी देता है, सवाल करने की आजादी देता है, शिक्षा ग्रहण करने की आजादी देता है, समान अवसर से हर पद पर बैठने की आजादी देता है। आज अब सारे पत्रकार बने हैं तो धर्म ग्रंथों की वजह से बने हैं, या फिर मुझे बताइए आप संविधान की वजह से बने, बताइए। हिंदू जो धार्मिक ग्रंथ है उनके खिलाफ बोलते हैं, कौन सा हिंदू जो दूसरे धर्म है उनके खिलाफ? आप एक मेरी बात सुनिए, पहली बात जितने भी धर्म है ना उनके एक संस्थापक है, सभी धर्म इस देश के अंदर में, दुनिया के अंदर जितने भी धर्म है उनका कोई ना कोई संस्थापक रहा है, उन धर्मों को बनाया गया है, उन धर्मों के पीछे किसी ना किसी एक महापुरुष की कुर्बानी गई है, ठीक है। लेकिन इन्होंने जो हिंदू धर्म बनाया है कहानी पे बनाया, और हिंदू शब्द जो है गाली है, सुप्रीम कोर्ट इस बात को मेंशन कर सकता है, नहीं तो अब सनातन पे भाई फुदक फुदक के कहां तक घूमेंगे, इस पर सवाल करो तो यहां कूद जाते हैं, यहां सवाल करो तो यहां कूद जाते हैं, ये फुदकते रहेंगे, गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मतलब गलती एक्सेप्ट नहीं करेंगे लेकिन हजार तरह से प्रपंच रच करके झूठ को अपने लीपापोती करने की कोशिश करेंगे। ऐसी तारते रहे आज तक, सदियों से तुम लोग तारते रहे, साल दर साल वर्षों गुजर के तारते, जब आज वो ताड़ने का मतलब निकालने की बारी आई, लोगों ने इस पर सवाल खड़े कर दिए,
तो ताड़ने का मतलब आपने शिक्षित करना रख दिया। मान लो शिक्षित कर दिया आपने ढोर को शिक्षित करके क्या कराओगे, डिग्री कराओगे क्या, उसे आईएएस बनाओगे या पीसीएस बनाओगे? ढोर को अगर शिक्षित कर दिया तो क्या होगा? ढोल, अगर आप ढोल कह रहे हो तो ढोल को शिक्षित करता है तो यार ढोल तो पीटा जाता है ना, ढोल तो कसा जाता है ना, उसकी चमड़ी को टाइट किया जाता है, तो आपने कैसे कह दिया ढोल? मतलब जल्दीबाजी में हड़बड़ाहट में इन्होंने 50 लाख कॉपियां गीता प्रेस ने लगभग छपवाई हैं, जिसमें इन्होंने कह दिया कि भाई ढोर गवार पशु शुद्ध नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, यहाँ ताड़ना का मीन्स शिक्षा देना, शिक्षित करना है। तो मुझे बताइए आज तक ढोल को मैं भी जाके अपने मेरे ढोलक खरीद लूंगी, पढ़ाऊंगी कि बेटा ऐसा बजना, सुर ऐसा गाना, सारे गामा पाधा नीसा, तो मेरी ढोलक खुद ही निकाल देगी। मैं अपनी भैंस को जाके पढ़ाऊंगी और कल उसको जो आईएएस की एग्जाम में बिठाऊंगी तो ये लोग सवाल खड़े ना करें जब मेरी भैंस जाकर के, मेरी बकरी जाकर के आईएएस के एग्जाम में बैठे, तो क्योंकि मैं कह दूंगी मैंने इसको ताड़ा, मैंने इसको शिक्षित किया, क्योंकि वो शिक्षित हो सकती है ना, इनके धर्म ग्रंथों के हिसाब से शिक्षा के केंद्र है वो ताड़ना के केंद्र हो गए। अब ताड़ने जब शिक्षक ताड़ेगा तो मतलब लट से भी अगर ताड़ेगा तो कोई अवरोध नहीं होगा, ना कोई सरकार इसमें ऑब्जेक्शन उठाएगी ना पेरेंट्स ऑब्जेक्शन उठाएंगे। लेकिन ये आरोप है आप लोगों पर कि आप लोग जान बूझ कर सनातन संस्कृति को खत्म करना चाहते हैं। मैंने फिर वही कहा, सनातन ना कोई धर्म है, सनातन ना कोई संस्कृति है, सनातन एक छल है, एक छलावा है, जो इस देश के असली मूल निवासी हैं, जो इस देश के असली कोई धर्म नहीं है, ये सनातन आप पूछ लेना, ब्राह्मण से पूछना कि सनातन होने पर गर्व हो, कहेगा नहीं जी मुझे ब्राह्मण होने पर गर्व है, मैंने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, और कोलर को ऊंचा करके कहेगा कि मुझे इस बात का गर्व है कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ब्राह्मण पुत्र हूँ, तो वो परशुराम पर गर्व करता है, वो जो फरसे से बच्चों को महिलाओं को काटता वो उस पर गर्व करता है, ना कि हिंदू होने पर गर्व करता है। हिंदू होने पर गर्व तो वो आम जनता को कराता है, बेरोजगारों को कराता है, शिक्षित लोगों को कराता है। प्रसाद मौर्य जी ने जो कहा है वो सही कहा है। मैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बयान से एकदम सहमत हूँ। उसके बाद में अभी क्या कहते हैं सपा के एक नेता ने, और क्या कहते हैं प्रजापति हैं त्रिवेंद्र प्रजापति जी, उन्होंने भी कहा है कि धर्म ग्रंथ सारे जला देने चाहिए, इनमें मानवता के लिए अच्छा नहीं लिखा गया, इनमें औरतों के लिए अच्छा नहीं लिखा गया, इसमें देश के शूद्रों को गालियां दी गई हैं और अभद्र भाषाओं का प्रयोग किया गया है। और इसमें परेशानी क्या है भाई, धर्म ग्रंथ लोगों के लिए बनाए थे ना आपने, ग्रंथों के लिए तो लोग नहीं जन्मे ना, कोई भी बच्चा जन्मा तो धर्म ग्रंथ की सुरक्षा के लिए कोई जन्मा, इंसानियत के लिए जन्मा, इंसान ने जन्म दिया उसको, तो धर्म ग्रंथों से इतना चिपकाव, इतना लगाव क्यों, उनकी गलतियों को इतना मतलब बचाने की कोशिश क्यों, आप एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते कि आपने गलतियां की हैं, आपसे गलतियां हुई हैं, उन गलतियों को आप एक्सेप्ट नहीं करते, आपकी यही बड़ी बात है, इसलिए समाज में देश में सुधार नहीं होता, इसीलिए आप हमारे विरोध पर आ जाते हैं, हम सही बात बोलते हैं तो हमारे साथ खड़े होने के बजाय हमारे खिलाफ खड़े हो जाते हैं। तो मैम सच बोलने पर इतना विवाद क्यों खड़ा किया जा रहा है? क्योंकि जब झूठ का वर्चस्व लंबे समय तक रहता है ना, तो झूठ तिलमिलाता है, बौखलाता, परेशान हो जाता है, और वो क्या करता है, नए नए प्रपंच रहता है। आप ही देखिए, कोई किसी को छल के द्वारा किसी को कब्जे में किया होगा, वो उसकी जब उसकी निकालने लगेगा कि इस आदमी ने मेरे साथ झूठ बोला है, झूठ बोल के मुझे काबू में कर रखा है, तो वो कभी भी वो दास वहां से हटने की कोशिश करेगा, इससे तो अच्छा मैं ये बता रहा है कि ये मुझे रोटी दे रहा है, लेकिन पता उसको जब बाद में ये चला कि मैं ही मेहनत करके इसको रोटी दे रहा हूँ, तो ये सारा उल्टा पड़ गया गेम। अब वो क्या कर रहे हैं कि इनको लीपापोती कर रहे हैं, इनपे पढ़ते चढ़ा रहे हैं अच्छा बनने की, और ये जितने अच्छे बनने की कोशिश करते हैं ना, ये इतने और कुरूप दिखाई देने लगते हैं। मतलब एक झूठ जो होता है ना, जितना सच्चा बनने की कोशिश करता है वो उतना ही और गंदा और घृणित दिखाई, उसकी घिन आने लगती है। लेकिन ये वैसे लोग, वो जो रामायण है, जो वाल्मीकि ने लिखी है रामायण, उसमें और जो तुलसीदास ने लिखी, उनमें दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। ऐसा देखिए, दोनों ने समय समय के हिसाब से लिखी है, जैसे कि जब जब जो जो काल रहा, जब इन्हें लगा कि लोगों को किस तरह से फंसाना चाहिए, जैसे कि तुलसीदास जी ने अवधि भाषा में लिखी है और उन्होंने वाल्मीकि ने पूरी संस्कृत में लिखी है, तो इन्होंने जब लिखी होगी हिंदी में तब इन्हें भी नहीं पता होगा, हालांकि विरोध किया ब्राह्मणों ने कि तुलसीदास तुमने हिंदी में गलत लिख दी, कल को अगर शूद्र पड़ गए हिंदी तो ये हिंदी में पहचान लेंगे, और इन्होंने शब्दों का मतलब पहचान लिया तो ये हमारी बात लगा देंगे, और आज वही उल्टा हो रहा है। लेकिन तुलसीदास ने मानी नहीं, हम तो तुलसीदास जी धन्यवाद, आप भले दुनिया में नहीं है लेकिन आप हिंदी में लिख के गए, हम जैसे मूर्ख अज्ञानी जब हिंदी पढ़ के आए तो हमें पता चला कि आपने तो हमें ताड़ने की बात की है। औरतें तो आप 50% औरतें भारत के अंदर इन्होंने ताड़ने को कह दिया, औरतें जिस दिन अगर अपना क्या कहते हैं थप्पड़ उठा लेंगी या घूंसा उठा लेंगी तो इनका क्या हाल होगा बताइए, इन्हें तो हथियारों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, उनके हाथों से मार डालेंगी है। तो ये लोग जितने घटिया गंदा लिख सकते थे उन्होंने लिख दिया, अब जरूरत उसकी समीक्षा करने की। जब संविधान की समीक्षा करते थे तो उन्हें बड़ा मजा आता था, बहुत आनंद आता था, जिससे पूरा देश आजादी का जीवन जीता है। अब जब धर्म ग्रंथों की समीक्षा होने लगी है तो ये तिलमिला रहे हैं, बौखला रहे हैं, क्यों भैया क्यों परेशान हो रहे हो, जब धर्म ग्रंथ लिखे, ये मान लो जब मैंने लिख ही दिया कि मैंने चोरी की है तो मैं क्यों नहीं एक्सेप्ट कर लेता कि मैंने चोरी की है,
अपराध मान लो आगे के लिए अच्छा जीवन जीना शुरू कर दो, इसमें क्या बात है। लेकिन आप अपराधी हो और आगे भी अपराधी बने रहना चाहते हो। आप इतने बड़े अपराधी हो कि देश की करोड़ों करोड़ों जनता को आपने छलावे से लूटा, धर्म ग्रंथों के नाम पर अपनी सत्ता जबरदस्ती थोपी, अपनी राजनीति उन पर चलाकर रखे। अगर आप उन्हें धर्म ग्रंथ नहीं कहते केवल किताब कहते तो लोग नहीं मानते, इसलिए आपने षड्यंत्रकारी किताबों का नाम धर्म ग्रंथ। जब से ये मुद्दा उठाया रामचरितमानस से मनुष्य मृत्यु को, इतनी दिक्कत साधु संतों को नहीं जितनी मीडिया में जो ब्राह्मण पत्रकार है उनको दिक्कत होगी। अरे जितने भी ब्राह्मण पत्रकार है सब मुंह से पैदा हुए हैं ना वो, क्योंकि संविधान तो कहता है कि हर महिला एक ही जगह से डिलीवरी करती है, और साइंस भी यही कहता है, और पूरी सृष्टि यही कहती है, नेचर भी यही कहता है। लेकिन जितने भी मीडिया के पत्रकार है वो मीडिया नहीं है, वो मुख पुत्र है, वो मुंह से जन्मे हुए लोग हैं। क्योंकि जैसे उन्होंने कहा ना, ब्रह्मा जी ने मुंह से जन्मा, यानी कि ऊपर से जन्मा और बाकी नीचे से पैदा हुए, तो ये ऊंचाई बनाए रखने के लिए इन धर्म ग्रंथों को बनाने को सारा जोर लगाते हैं और आम जनता के दिमाग में कूड़ा भरते हैं, डेली कूड़ा डाल रहे हैं। और आम जनता अब इनके आगे से हट चुकी है। देखिए मनुस्मृति को आम जनता में खाई पैदा होगी, इससे खाई बढ़ेगी। अच्छा उससे पहले कौन सी खाई नहीं थी भैया? जिस खाई में तुमने इतने नीचे बंकर में अंधेरी गुफा में तुमने जो है इस देश के अछूतों को शूद्रों को दबा कर रखा था, अब वो शूद्र पढ़ने लगे तो तुम उसको खाई बताने लगे गो? यानी कि तुमने कलम युग को कलयुग बता दिया। हमें पता था तुम कलम युग को कलयुग बताओगे, इसीलिए आज लोग भूखे रह रहे, प्यासे रह रहे, वो अपने बच्चों को पढ़ाना चाह रहे, तो आपकी सरकारों ने फीसें महंगी। लेकिन एक कंफ्यूजन और बना हुआ है समाज में, लोग समझते हैं जो शूद्र है ना वो दलित है, लेकिन शूद्र जो इनकी व्यवस्था के हिसाब से वो तो पिछड़े हैं ना, ओबीसी हैं, पिछड़े हैं। शूद्र का मतलब होता है जो ओबीसी जातियां हैं, जो क्या कहते हैं इनके वर्ण में शामिल थी। तो दलित क्या थे? दलित वो है जो इनके वर्ण में चारों वर्णों में शामिल ही नहीं थे, बिल्कुल व्यवस्था से फेंके गए। अछूत मतलब अछूत, जिनको छुआ नहीं जा सकता, अस्पृश्य कहा गया, जिनके बोलने तक से, जिनके सड़कों पर चलने तक से सड़कें अपवित्र होती थी।